नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। निशानी है कि जब कोई तब्दीली आती है तो नीचे जो है वो बेताबी होती है, तो ये तब्दीली की निशानी है कि जमीन ने भी करवट ली है कि ये नहीं है कि सिर्फ मैं उसके मुंह को प्रोटेक्ट कर लूं और वायरस वो नीचे से ले आए। ये सारी चीजें आपको साथ साथ चलानी है। भाई एक सेकंड, बात बंद करो, तुम्हारे क्या से थर्ड क्लास डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, आप मेरे ख्याल से अल्फाज इस्तेमाल कर रही है ना जी। ये वक्त आ गया कि हम सब अपनी अपनी मंजी थले डंडा फेरिए। कोई माने या ना माने, मुंडेर पर काव काव करता कोवा और पड़ोसी मुल्क में प्रवचन देता मुल्ला, कभी कान में सैद नहीं घोलता है। इनके तर्क और वाणी ठीक ऐसी होती है जैसे नाई की दुकान पर गंजा होने के लिए बैठे व्यक्ति के बालों पर चलती कैंची, यानी इनकी जुबान कैंची की तरह चलती है और तेल लगाकर बढ़ाए बाल खुद की गोद में गिरते जाते हैं। ऐसे ही मुल्लाओं की वजह से पाकिस्तान की हालत उस गंजे इंसान की तरह हो गई है जिसकी तेल लगी खोपड़ी से रोशनी रिफ्लेक्ट तो हो रही है मगर उसका रिफ्लेक्शन उसकी टाट से बाहर नहीं जा रहा है। अब जिस किसी की समझ में उक्त बातों का मतलब नहीं आया है उनके लिए पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी मौजूद है। कल शाहिद अफरीदी ने पाकिस्तानी सरकारों को लेकर जो बयान दिया उससे पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। उनके बयान से यह भी साबित हुआ कि इनका गधैया नृत्य भारत में क्यों ज्यादा चर्चित है। इससे पहले कि इस विश्लेषण को आगे बढ़ाए, पहले शाहिद अफरीदी को सुन लेते हैं। ये वो मुल्क की बात, मैं शुक्र अदा करता हूं अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला ने मुझे ऐसे मुल्क में पैदा किया है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क दुनिया में कहीं पे भी नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। बस कुछ आज जो हमारे ऊपर गधे घोड़े बैठे हैं वो अगर इंसान के बच्चे बन जाएं तो हमें इस तरह मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। बस हमारे ऊपर सरों के ऊपर कुछ ऐसे लोग अल्लाह ने मुसल्लत कर दिए, हमारी अपनी वजह से है, उनकी भी गलती नहीं, हमारी अपनी वजह से है। लेकिन हमारे मुल्क में बहुत अच्छी चीजें भी होती हैं। देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं हो सकती। दुनिया में पाकिस्तान जैसा मुल्क दूसरा ढूंढे भी नहीं मिल पाएगा। यह पहला मुल्क है जहां उसकी आजादी के 9 साल बाद तक संविधान नहीं बन पाया था। 1958, 1969, 1977, फिर 1999 चार बार लोकतंत्र को सूली पर टांग कर तख्ता पलट केवल पाकिस्तान ही कर सकता था। यह दुनिया का पहला मुल्ला मुल्क है जिसकी जीडीपी का 85% सिर्फ कर्जों के सूद में चला जाता है। इस मुल्क के खजाने में केवल $3 अरब है जबकि इसके ऊपर $112 अरब का विदेशी कर्ज है। यह दुनिया का पहला ऐसा मुल्क है जो परमाणु संपन्न है मगर 48% आबादी तैमद भी भीख मांगकर पहनती है। यह पहला पाकिस्तान है जहां 24 से ज्यादा आतंकी संगठन है और 16 से ज्यादा वैश्विक आतंकी रहते हैं। पाकिस्तान ही एकमात्र मुल्क है जो कभी कोई युद्ध नहीं जीत पाया मगर यहां की फौज 200 ग्राम पीतल लटकाए घूमती है। पर सवाल यह है कि अल्लाह ताला ने इस बकलोल मदरसा पैदा इसकी जबान पर ताला क्यों नहीं लगाया। अगर ये लोग जबान और पिछवाड़े उठाने से ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल करते तो इस मुल्क में न गधे पैदा होते और न भिखारी बनने के लिए भैंसों को धक्का देना पड़ता। अब जो लोग शाहिद अफरीदी के प्रवचनों पर ताली बजा रहे हैं ये वही टोपीबाज हैं जो पुराने तैबन लपेटकर हीरा मंडी के सामने चार चक्कर लगाते हैं। इन लोगों की बुद्धि टोपी के नीचे धस चुकी है। इन्हें यही नहीं पता है कि पाकिस्तान किस मोड़ पर खड़ा है और इसका भविष्य किस तरफ जा रहा है। अब कौन इनसे पूछेगा कि कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए इनके पास ना मास्क है, ना पीपीई किट है, ना वेंटिलेटर है। कुछ डॉक्टर हैं पर वे भी भूख हड़ताल बजा रहे हैं। वैसे भी गधों से अगर इंसान का बच्चा पैदा हो भी गया तो पाकिस्तानी टोपीबाजों से बिल्कुल भी अलग नहीं होगा। यूं भी इनकी हरकतें यही साबित करती है कि इस मुल्क में कोई भी नस्ल आने की संभावना नहीं है, इसलिए जब तक है यही गधे इस देश को चलाते रहेंगे। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।